राज्य में संक्रमण पुनः ऊपर मुहां होइछि। गत किछि दिन धरि संक्रमण कमिबा परे एबे पुनि बढ़िछे। गत 24 घंटा मध्य 2215 करोना संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। चिन्हट होइतिबा संक्रमितक मध्यरु 1272 क्वारंटाइन सेन्टर चिन्हट होइतिबा बेले 943 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। यहाँ मिसा राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 954326 जन वृद्धि पाई। चिन्हट होता आक्रांतों मध्य सर्वाधिक खोर्धा जिलूर 483 चिन्हट होता बेले कटक जिलूर 348 जगत सिंहपुर 126 जाजपुर 124 केन्द्रापड़ 95 आक्रांत चिन्हट होते। राज्य में वर्तमान सुधा 21,299 जन आक्टिव केस रही बेले 927,926 जन सुस्थ हो घर को फेरी। एबे सुधा राज्य में 1,50,66,050 जन सैंपल टेस्ट होइछि। इन राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्वीट जोगे सूचना दिया जाइछे। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना करने। डॉक्टर चौधरी आपको न्यूज सेवन तरफ स्वागत। ये स्थिति आपड़ भाव वर्तमान देखुं पुणी उपर मुह आड़ गति कला एक संक्रमण ता सहित तो आम तो अनेक समय आलोचना करुच मृत्यु संख्या को नहीं कि पूरा स्थित की नहीं आपड़ कौन कहे कारण धीरे धीरे ए यदि कह कटक टी कोहल कर किंतु ये जो बढ़वे लगी संख्या टी आज अधिक टी रही 2215 पजिट चिन्हट होती कौन कह देखु जिते अनलॉक प्रोसेस आरंभ हो सरकार गोटे जीवन भितर जीविका टाइम प्राधान्य धीरे धीरे अनलॉक कर किंतु आमे जेते अनलॉक करंतु सरकार किबा जेते कोहळ करंतु लोक तातु आउरी अधिका कोहळ मनोभाव रखुचंती किंबा बेपुर हाई जाउचंती। आपण देखन जदि देखिबे एनालिसिस कर जेते बेले एमतीटा पंचम पर्याय रे हेइथिला माने सेम जेति कमी थिला विशेष किछि कमी पालानी एमती 3000 पाखा पाखी रहिला तापर धीरे धीरे कमी गोटे सिचुएशन आसिला परे पुनी बहुत किछि अधिका तातु अनलॉक करा गला तो यही परिसंख्यानटा भी एमती उपरतल होउची। खाली आपण देखिबे जेहेतु शनिवार रविवार गोटे सप्ताहत सटडाउन रही जाउची एवं सोमवार मंगलवार किछिटा फिगर कम आसुची जोटा कि शनिवार किंवा रविवार जिनसटा रिफ्लेक्ट करुची किंतु ता परवर्ती दिन गुडाके संक्रमण 2000 प्लस रहउची एवं सबुबेले जो उपरतल हवा संक्रमणटा किछि आम पई गोटे भल सिंबल नुहे जहाबेले आमको गोटे मानने आप नहीं चिंता करिया पड़ो एवं समस्त को ए जिन प्रति टे सतर्क रहा पड़ो कहीं आम धीरे धीरे हारी हारी जाऊे आम कह कहीं जिते संक्रमण एवं सुधा आम राज्य में जी पहुंचा कथा से आशानुरूप पहुंची पारी एवं केन्द्र सरकार जो जहाँ डिक्लेयर करते जो 6 राज्य सारा देश में बहुत खराब कंडीशन अच्छी देशर 70-80% संक्रमण 6 राज्य आती ओडिशार ना अच्छी मोर्टालिटी क्षेत्र भी आप देखिए जदि देशर 650-600 मोर्टालिटी होती ओडिशार 60 रोज मैंने 10% मोर्टालिटी ओडिशार आसुची तेणु ये जिनसक आमको गोटे अनुधान करा पड़ो एवं सबु स्तर में टे सतर्क हवा पड़ो। मुझी लोक मैंने आउ टे सजग हूँ कहीं बिना लोक मानोग सतर्क सचेतन केवल आम संक्रमण तौक आनी पारा ना आमको जहाँ भी मानने जो जी जिनस खोला सरकार जो जीविका टाक प्राधान्य दे जहाँ खोली से जिनसा आमको देखा पड़ो एवं लोक मैंने सत्र सचेतन हवा सहित जो मैंने रही व्यवसाय कथा कहतु सेलून किंवा स्पा पार्लर ताक मालिक कथा कहतु जिम मालिक कथा कहतु समस्त जिनस दृष्टि देव पड़ो जिते बड़े भी जीविका बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी आप कह मत अनुसार जबले भाव राज्य सरकार समस्त प्रकार व्यवस्था करुचंती को देखी नहीं ही से पदक्षेप नौ कि लोक मानी सहयोग करने आवश्यक रोचे लोक मैंने स्थित की बुझा आवश्यक हो सचेतनता निजे निजे हवा दरकार सेल्फ मॉनिटरिंग मनिटरी आवश्यकता ये पड़ुचे। आउ गोटे कथा जी कह डॉक्टर चौधरी जब भाव खोर्धा जिले में जब आप स्थित कहे सर्वाधिक रही आसुचे 483 आज चिन्हट होती ये टी चिंता रोचे एवं ये नियंत्रण किभली भाव रख्या किभली भाव कमा जा पार ये को नहीं कौन पदक्षेप ना आवश्यक हो पड़ी आपण मत अनुसार देखो मैडम मु प्रथम दिन जिते गाइडलाइन जारी होता है प्रथम दिन कही कटक खोर्धा पे कि गोटे स्पेशल गाइडलाइन्स करा कथा कहीं सरकार जो जनरल गाइडलाइन्स कि जनरल एसओपी जारी करुंस जिनसा नक इंडिविजुअलाइज टे कथा तेणु मुझे यही गोटे इंपोर्टां जिनस कह जो खोर्धार जोटा संक्रमण बहुत अधिका रोचे
ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱାଇଜ କରିବା କଥା, ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଭାବି ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କରିବା କଥା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇନପୁଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଅଫିସ ରହୁଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜାରି ରହୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ଜାରି ରହୁଛି, ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା, ତ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକା ରହିବ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଭିନ୍ ଅଡ୍ ରେସିଓ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେତେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ମନେକର ଗୋଟେ ଶହୀଦନଗର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ୱିକ୍ଲି ତିନି ଦିନ ଖୋଲିବା, ସୋମବାର ହେଲା, ବୁଧବାର ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ହେଲା, କିମ୍ବା ତା ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟା ରହିବ ଆଚାର ଦେବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଅଲଟରନେଟ୍ କରିଦେବା, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ମୁଁ କହିବି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପୁସିଂହରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମେ ମନେକର 50 ଦୋକାନ ଅଛି, ତାକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବା, ଏକ ଇଭିନ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡା ଆମର 3 ଦିନ ଖୋଲା ରହିଲେ, ଅର୍ ଦୋକାନ ଗୁଡା ଆମର ଆଉ 3 ଦିନ ଖୋଲା ରହିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଯାହା ଯିବାର ନବାର କଥା କିମ୍ବା ଯାହା କିଣିବା କଥା, ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇ ଦିନରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ବା ଉପର ମୁହାଁ ରହୁଛି, ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡୁଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।